मॉर्निंग बेटा बेटा इसी लेख करांगे मन जीते जग जीत। मन लास्ट टाइम आ मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत। ठीक है, ओवी तुक्का दे आधारित लेख सी ती ए भी बेटा तुक दे आधारित लेख है। ये गुरबाणी दे तुक्का होंदी है ना, पढ़ी है ना बेटा लास्ट टाइम दसे से तुक्का आधारित लेख दा मीनिंग सारे। ठीक है, आज आपा करांगे मन जीते जग जीत। ठीक है, दा मीनिंग समझो पहला, जे मीनिंग क्लियर होएगा ताई बेटा तुसी ओ लेख कर पाओगे। मन मतलब साडा अंदरला मन। ठीक है, साडे हर एक दे अंदर जे मन है। ठीक है, मन दे अकॉर्डिंग असी सारे काम करदे आ। जे साडा दिल करदे है, मन करदे है, ताई असी कोई काम करदे आ, नहीं ते जे साडा दिल नहीं भी करदा असी काम नहीं करदे। जे कई बार असी बीमार भी हुन्ने ना, जे साडा मन कहंदा है कि नहीं तू पढ़। ठीक है, बीमार है फिर की हो गया। ठीक है, तू पढ़ना है, तू मेहनत करनी है, जे तू तरक्की हासिल करनी है, मन दे अंदर बीमार होने दे बावजूद भी जे साडा मन कहंदा ना पढ़ ते असी ताई पढ़दे आ। जे असी ठीक भी आ, क्लास दे विच प्रेजेंट भी आ, ठीक है, पर जे साडा मन ही नहीं होवेगा ते आपां पढ़ांगे नहीं। मन ही है बेटा जो साडे कोलो सारे काम करवांदा है। ठीक है, मन ही है सानू दसदा है कि गलत है कि ठीक है। जीते मतलब जितना। ठीक है, जीते मतलब जितना। जग मतलब सारी दुनिया, सारा संसार। ठीक है, जीत मतलब दुनिया जितना। मन जीते जग जीत, इस तुक दा की मीनिंग है भाव कि जे किसी इंसान ने अपने मन नू जीत लिया, अपने मन ते काबू पा लिया, या किसी दे मन नू जीत लिया, ता उसने सारी दुनिया ते ही जीत हासिल कर ली। मन जीते जे असी अपना मन जीत लैने आ, ठीक है, दूसरिया दा मन जीत लैने आ, अपनियां इच्छावां ते काबू पा लैने आ, ता समझो असी सारी दुनिया नू ही जीत लिया। जितना किसने है नी कि दुनिया जिन्ने महाराजे आए, काफी वड्डे वड्डे तुसी ऐसे ऐसे पढ़े होने कि किन्ने राजे महाराजे जो पूरी दुनिया नू जीतन दा सुपना लेके आए सी। गुरु नानक जी कहिंदे नहीं कि जे असी सारी जदों आपां सारी दुनिया नू जीतन दा सुपना लेके आंदे लड़ाई झगड़े नाल, फिर सारी जुत्तियां दुनिया नू जीत लवांगे, नहीं जीत सकदे। जब तक असी किसे दा दिल नहीं जीत लैंदे, मन नहीं जीत लैंदे, तक असी किसे ते जीत हासिल नहीं कर सकते। जे असी किसे नू जीतना है ना, किसे दे दिल दे विच अपने लई इज्जत पैदा करनी, रिस्पैक्ट पैदा करनी, कि साडे सारे रिस्पैक्ट करन, इज्जत करन, कि सानू दूसरे का मन जीतना चाहिए। मन किदा जीतांगे, मिठा बोल के, निम्र रह के, दूसरे की हैल्प करके, ते अपनिया सब तो मेन इच्छावां ते काबू पा के। परमात्मा ने दुनिया बनाई, सारिया चीजा बनाई है, असी ये भी चीज लैनी, वह भी चीज लैनी, दूसरे वालों देख के कहने कि परमात्मा तू मैनू यह चीज क्यों नहीं दिती, उन्हू दे दी मेरे, मैं की किया गुनाह, तू मैनू यह क्यों दिता। साड़ी इच्छावां जो वधिया जांदियां, अज साइकल की इच्छा है, कल स्कूटर की, स्कूटर मिल गया, कार की, साड़ी इच्छावां वधिया जांदियां। इन्हां इच्छावां दे करके ही साडा अंदर लड़ा, साडे अंदर गुस्सा आंदा है, लड़ाई पैदा होंदी है, असीं अपने माता पिता नाल झगड़ा करदे हां। जे असीं अपनी इच्छावां नूं त्याग कर दईए, ठीक है, परमात्मा ने जो दिता है उहदी रजा दे विच खुश रहीए, ठीक है, ते सानू कदी कोई दुख होएगा ही नहीं। असी कहांगे परमात्मा शुक्र है तू सानू दो अखां दित्तियां, उहनां नू देखो जिन्हां नू देखण लई अखां ही नहीं है, दो हथ दित्ते लिखण वास्ते, काम करन वास्ते, उहनां विचारां नू पुछो जिहदे कोल हथ ही नहीं है, पैर दित्ते, सब तो मेन दिमाग दित्ता, ब्रेन, जिन्हां कोल दिमाग ही नहीं है, ना सोचण दी ना समझण दी शक्ति है, उहनां दा किन्ना माड़ा हाल है। कि परमात्मा शुक्र है कि तू परमात्मा सानू एक तंदुरुस्त शरीर ता दिता, ठीक है, कोई गल नहीं, तू मैनू यह चीज नहीं दिती, बाकी सानू जो परमात्मा ने दिता है उसकी रजा विच खुश रहो, ते अपनियां इच्छावां ते काबू पाओ। कि परमात्मा कोई गल नहीं, जे तू मैनू यह चीज नहीं दिती फिर भी तेरा बहुत बहुत शुक्र गुजार है, तू मैनू सानू रोटी दिती खाने लई। भाव कि जे असी किसे दे मन नू जित लैंदे आ, जे अपने मन ते काबू पा लैंदे आ, ते समझो असी सारी दुनिया ते ही जीत हासिल कर ली।
किन्ने सिखा दिती है? श्री गुरु नानक देव जी ने। एक गुरु नानक देव जी लिखी हुई एक बाणी है जपजी साहिब, ठीक है, जपजी साहिब की बाणी दे विचों लिया, जिस आप मिठा नीवी नानका किता भी सानू, आप जे आप मिठा बोलांगे तां नीव के रवांगे तां सानू सब कुछ हासिल होएगा। उसी तरह जे आप अपने मन ते काबू पा लांगे, पहला तो अपने मन नू जितो, दूसरा तो बात हो, जे अपने आप नू जितो, पहला अपने आप ते जित हासिल करो। कई बार आप फ्रस्ट्रेशन गुस्सा कढ़दे आ, वो गुस्सा असीं दूसरे ते नहीं अपने आप ते कढ़दे हुंदे आ, ठीक है, अपने आप ते काबू पाओ, अपने मन ते काबू पाओ, तां ही असीं दूसरे नू जित सकदे आ, तां ही असीं जिहड़ा कि दूसरे दे मन दे विच अपने लिए रिस्पैक्ट पैदा कर सकदे आ, आदर पैदा कर सकदे आ। मीनिंग क्लीयर, मीनिंग क्लीयर हो गया, ठीक है, हुण आपां स्टार्ट करिए। सब तो पहला आपां लिखांगे इंट्रोडक्शन, जान पछाण। ठीक है, तो बेटा मिठर नीवी नानका गुण चंगियाइयां तत ले करवाया सी, परमात्मा दी बनाई दुनिया विच मनुखी एक अलमोल दात है। परमात्मा ने मनुख नू सोचन समझन दी शक्ति दित्ती है। इस करके सानू जदों भी किसे नू कोई गल कहनी हुंदी है तां सानू ओ मिठे शब्दा विच कहनी चाहीदी है। ये परमात्मा दी बनाई दुनिया दे विच सानू मनुखा जीवन जिहड़ा कि सब तो अनमोल दात है। साडा मनुख दे किन्नियां 84 लाख जुन्नां दित्तियां, ठीक है, पर जिहड़ा मनुखा जीवन है मनुख नू ही परमात्मा ने सोचन दी समझन दी शक्ति दित्ती की ठीक है ते की गलत है इंसान नू पता है, ठीक है, फिर भी असी इंसान की है बिना सोचे समझे बिना दिमाग तो कई बार काम लेंदा है, जिस करके जेड़ा की है ओ जेड़ा की दूसरिया दे लई निरादर दा पात्र बनता है। ठीक है, परमात्मा दी बनाई दुनिया दे वी सानू सारिया नाल मिठा बोलना चाहिदा है, निम्रता नाल रहना चाहिदा है, ते जे असी लास्ट लाइन ऐड करो, जे असी अपने मन ते काबू पा लैने आ, अपनियां इच्छावां ते काबू पा लैने आ, तां समझो असी सारी दुनिया ते ही जीत हासिल कर ली है। जे असी अपने मन ते काबू पा लैने आ जां अपनियां इच्छावां ते काबू ला पा लैंदे आ, ते समझो कि असी सारी दुनिया ते ही जीत हासिल कर ली, भाव कि असी दूसरिया जिहड़े कि दूसरे आ साडी की करनगे, रिस्पैक्ट करनगे, साडा आदर करनगे, या दूसरिया दे मन विच असी अपने दूसरिया दे मन विच असी अपने आप लई जिहड़ा कि इह आदर पैदा करदे आ, इज्जत पैदा करदे आ, मान पैदा करदे आ। ठीक है, नेक्स्ट है तुक दा अर्थ की है, मीनिंग। सेकंड है लिखना है, लिखना है। सेकंड है इस तुक दा मीनिंग की है, अर्थ है। सब तो पहले तुसीं लिखोगे कि सिंगल कौमिया दे विच मन जीते जग जीत गुरु नानक देव जी दी, गुरु नानक, गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई बाणी जपजी साहिब विचों लई गई है। गुरु नानक देव जी दी लिखी हुई बाणी जपजी साहिब विचों, इत्थे कौन बैठा बेटा, जपजी साहिब विचों लई गई है। इस तुक दा अर्थ है, इस तुक दा अर्थ है कि जे असी अपने मन नू जित लिया, भाव की अपनियां इच्छावां ते काबू पा लिया, ता असी
सारी दुनिया नु ही जीत लिया। जे असी अपनी इच्छावां या मन ते काबू पा लिया ता समझो असी सारी दुनिया ते ही जीत हासिल कर ली। बेटा क्लियर है मीनिंग सारे नु? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा मीनिंग क्लियर है? किते अपने लिखना है, अपने मन ते आपा थोड़ी लिखना है। नेक्स्ट है थर्ड। हुन आपा मैं तेनू लिखवाया मन, ठीक है मन लिखवाया ना, जे अपने मन ते काबू पा लिया तो समझो असी सारी दुनिया। हुन आपा कहना है मन है की, असल विच मन की है मीनिंग। जब मीनिंग लिखा गया पहला गुरु नानक देव जी की बाणी शक्ति से तो ले गया ते मीनिंग है जे असी अपने इच्छावां ते मन ते काबू पा लिया तो समझो असी सारी दुनिया नु जीत ले मीनिंग। नेक्स्ट है मन की है, असल विच मन है की। हुण तुसी कोई बच्चा दसे कि मन तुसी एक मिनट मन आपा देखे हां महसूस किया वे एक एक आपने की बोलिया सी मन की आपा देखिया मन नू नहीं देखिया आपा मन नू की करदे हां महसूस करदे हां। वो तुसी सपोज करो पढ़ रहे हो, ठीक है कोई बच्चे पढ़ रहे हैं कोई शरारता भी कर रहे हैं, ठीक है मन मतलब सानू की कहना काम की काम मन की करता सानू काम करने की करता है प्रेरदा है, ठीक है थोड़ा जिदा मन है ओही जिदा दिल कर रहा है, ठीक है वो बड़े प्यार दे नाल बड़े ध्यान नाल सुन रहे है ते एक्स्ट्रा पॉइंट भी बना रहे है ये चीज आ सकती है। दिल लगा के तुसी पढ़ थोड़ा मन ही कह रहे पढ़ो, ठीक है मन ही सानू काम करने लिए की करता है प्रेरदा है। हुण तुसी हत्थां नाल लिख रहे हो, हाँ बेटा हाँ भावना महसूस करना। हुण तुसी कोई हत्थां नाल लिख रहे है, ठीक है तुसी कन्नां नाल सुन रहे हो, रेजा हत्थां नाल लिख रहे हो कन्नां नाल सुन रहे हो दिमाग नाल सोच भी रहे हो, ठीक है काम करना लिखना देखना देख के लिख रहे हो नाला सोच भी रहे हो मतलब अपने जड़िया सारिया ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हो। हुण जिदा कई बारी मन है कोई जिहड़ा लिखता रहा है, ठीक है लिखता रहा है पर उहदा दिमाग जिहड़ा कि इस टाइम प्रेजेंट नहीं है क्लास दे विच, मतलब कोई किते होर बारे सोच रहा है मेरे सामने लिख रहा है पर दिमाग जिहड़ा कि किते होर है, ठीक है दिमाग कि किसे पासे होर है हथां लिख रहा है पर दिमाग ओदा इस पासे नहीं है। फाकिड़ मन ही है सानू सोचन दी समझन दी लिखन दी काम करन दी शक्ति दिंदा है। फाकी हथां नाल असीं जो लिखना है दिमाग नाल सोचना है, ठीक है दिमाग नाल सोचना हथां लिखना या ध्यान नाल गल नूं सुनना ओ सारा जिहड़ा कि सानू कौन कह रहा है मन ही कह रहा है। मन जिहड़ा आपां देखदे नहीं आ जिन्हों सिर्फ आप की करते हैं महसूस करते हाँ मन ही है जिहड़ा सानू देखन दी सुनन दी सोचन दी समझन दी काम करन दी शक्ति प्रदान करता है। मन की अछू है जिन्हों आप छू नहीं सकते हाथ नू छू सकते हैं सिर नू छू सकते हैं हाथा पैरां नू छू सकते हैं पर मन नू आप सिर्फ फील कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं। लिखो मन की है, मन अछो है या मन अछो नहीं लिखना था लिख दो मन ना दिखाई देने वाली एक वस्तु है या सीधा लिख लो अछो है जिन्हों पर अछो है। अछो में ना जिन्हों से छो नहीं सकते मन की है अछो है भाव की जिन्हों से छू नहीं कर सकते सिर्फ की कर सकते हैं महसूस। हाँ हाँ लिखो मन नू सिर्फ असी महसूस कर सकते हाँ शरीरक शरीरक अछो है। एक मिनट मन नू सिर्फ महसूस कर सकते हाँ मन साडे जिहड़ा की है अंदर हुंदा है
बाहर नहीं होता, की लिखना है मन साडे दिल दे अंदर है। मन की है? दिल दे अंदर है। लिखो, मन साडे दिल दे अंदर है, अछो है, जिन्हों असी सिर्फ महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। पर असी देखो, पर असी जो भी काम करते हाँ वो मन दे कहन ते ही करते हाँ। पर जेड़े भी असी काम करते हाँ, जो भी असी काम करते हाँ वो मन दे कहन ते ही करते हाँ। देखो दिखाई नहीं दे रहा, देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते, पर जेड़ा भी असी काम करना है ओ मन दे कहन ते ही करते हाँ। जे सानू मन काम करने लई कहिंदा है, जे सानू मन काम करने लई प्रेरदा है या कहिंदा है तां ही असी काम करते हाँ। मन ही सानू सोचन समझन पढ़न लिखन दी ताकत दिंदा है, शक्ति दिंदा है। मन ही सानू पढ़न दी लिखन दी सोचन दी समझन दी काम करन दी ताकत या शक्ति दिंदा है। क्लियर बेटा, मन बारे क्लियर हो गया? ठीक है, हुन एट प्रेजेंट हुन तुसी देख नहीं सकते मन, पर जिहड़े बच्चे काम कर रहे उन्हां दा मन कर रहा है कि नहीं असी काम करिए, अच्छी अच्छे नंबर लैने, जीवन विच एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। सोचन दी समझन नाल आंसर भी दे रहे हो, सोच भी रहे हो नाल। ठीक है, नेक्स्ट है हुन फोर्थ पॉइंट, मन दी चंचलता। हुन आपां चंचलता वर्ड आपां चुलबुल आपां कहने आ, इह आपां चंचल नूं वर्ड नूं कहने आ जिहड़ा मतलब टिके नहीं बैठदा। चंचल आपां नटखट, ठीक है, चंचल आपां वर्ड उहदे लई यूज करदे आ जिहड़ा कदी टिके ना बैठे, आराम ना बैठे, जिवें आपां छोटे बच्चे नूं कहने आ। ठीक है, मतलब जेड़ा मतलब कभी टिके ना बैठे। हुन आपां मन दे अके क्यों, मन दी चंचल आ, हुन आपां मन नूं चंचल क्यों लिखिया है? आपां दिमाग नूं नहीं लिखिया, हाथ पैर लिखिया, मन नूं चंचल क्यों लिखिया है? क्योंकि मन दे एट प्रेजेंट हुन तुसी इत्थे बैठे हो, एक सेकंड मन हवा नालों भी तेज है, एक सैकंड दे विच ही तुहाडा दिमाग घर पहुंच सकदा है, बाहर दी दुनिया तक पहुंच सकदा है, पर लोग दूसरी दुनिया तक पहुंच सकदा है। मतलब मन की है जो कदे भी टिक के नहीं बैठदा, चंचल आपां वर्ड ओनली यूज करदे हां जेड़ा कदी टिक के ना बैठे। ठीक है, मन की एक चंचल है जो कदे टिक के नहीं बैठदा। ठीक है, एक पल दे भी जिहड़ा मन है जिहड़ा की है किते दा किते चला जांदा है, एक पल दे विच ही असी किते होर दुनिया दे विच ही चले जांदे हां, चाहे असी फिजिकल तौर ते सीरे तौर ते जिथे मर्जी बैठे हां, पर जिहड़ा की है मन, जिहड़ा मन की है ओह किते दा किते पहुंच जांदा है। ठीक है, भाव की मन जिहड़ा की ना टिकन वाली वस्तु है। लिखो, देखो मन एक चंचल वस्तु है जो कदे टिक के नहीं बैठदा, जो कदे किदे बेटा, जो कदे टिक के नहीं बैठता, मन हवा नालों भी तेज दौड़दा है। मन अरविंद, मन हवा नालों भी तेज दौड़दा है, एक पल दे विच ही, एक पल या एक घड़ी दे विच ही साडा मन, एक पल या एक घड़ी दे विच ही साडा मन किते दा किते पहुंच जांदा है, किते दा किते पहुंच जांदा है।
नेक्स्ट पॉइंट है मन ते काबू पाउण। अच्छा नेक्स्ट है मन ते काबू पाउण दी लोड़, मन ते काबू और अपन नेक्स्ट पॉइंट लिखिया मन ते काबू पाउण दी लोड़। हुण मन ते सन क्यों काबू पाउण जाए, क्योंकि बेटा जिन्ने भी लड़ाई झगड़े मार पिटाई या साड़ा जिहड़ा सुभाअ है गुस्से वाला है, असीं अपने माता पिता नाल लड़ाई कर दिंदे आ, उह सिर्फ मन दे करके ही करदे आ, अपनियां इच्छावां करके ही करदे आ कि मम्मा मेरा अज मन कर रहा है कि मेरी फ्रेंड ने भी यह लिया तुसीं भी मैनूं यह लैके दिओ। ठीक है जी, आपां लड़ाई झगड़े गुस्से ठीक है उन्हां चीजां दा बचना चाहुंदे आ ते सानूं मन ते काबू पाउणा चाहीदा है। जिहड़े इंसान ने अपने मन ते काबू पा लिया समझो उहने पूरी दुनिया जीत ली। ठीक है लिखो मन ते काबू पाउण दी लोड़। गुरु नानक देव जी ने अपनी बाणी च किया है कि सानू अपने मन ते काबू पाना चाहिदा है। गुरु नानक देव जी ने भी अपनी बाणी च लिखिया है कि सानू अपनिया सॉरी सानू अपने मन ते काबू पाना चाहिदा है। जे असी अपने मन ते काबू नहीं पावांगे ता असी दूसरियां दे निरादर दा पात्र बनांगे। जे असी अपने मन ते काबू नहीं पावांगे ता असी निरादर दा पात्र बनांगे। मन दियां इच्छावां करके ही असीं अपने माता पिता निरादर दे पात्र बनांगे। मन दी इच्छावां करके ही असीं अपने माता पिता भैन भरा दोस्त मित्र नाल लड़ाई झगड़ा करते हाँ। मन दियां इच्छावां करके ही असीं अपने माता पिता भैन भरा दोस्त मित्र नाल लड़ाई झगड़ा करते हाँ। जे असी दूसरियां दा दिल जीतना चाहुंदे हाँ तां सब तों पहला सानू अपने मन ते काबू पाना पवेगा। दूसरियां दा दिल जीतना चाहुंदे हाँ तां सानू पहला अपने मन ते काबू पाना पवेगा। नेक्स्ट है सिक्स पॉइंट इच्छावां दा त्याग। सिक्स है इच्छावां दा त्याग। इच्छावां दा त्याग। परमात्मा दी बनाई हुई दुनिया दे विच इच्छावां दा त्याग। परमात्मा दी बनाई दुनिया विच जो भी परमात्मा ने सानू दिता है उसकी रजा विच सानू खुश रहना चाहिदा है। उसकी रजा विच खुश रहना चाहिदा है ते परमात्मा दा शुक्र गुजार करना चाहिदा है कि परमात्मा तू सानू एक तंदुरुस्त शरीर ता दिता
परमात्मा जो भी परमात्मा ने दिता है उस विच खुश रहना चाहिए है, ते उस परमात्मा का शुक्र गुजार करना चाहिए है कि परमात्मा ने सानू तंदुरुस्त शरीर दिता, खाने लई रोटी, पहनने लई कपड़े ते रहने लई छत दिती। ठीक है, खाने लई रोटी, पहनने लई कपड़े ते रहने लई छत दिती। दूसरियां वालों देख के अपने मन नूं दुखी नहीं करना चाहिदा, दूसरियां वालों देख के गुजार करना चाहिए कि परमात्मा ने सानू तंदुरुस्त शरीर दिता, दूसरियां वालों देख के ये नहीं कहना चाहिदा कि परमात्मा तू सानू ये चीज नहीं दिती, या अपने मन नू दुखी नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरियां दी बाबा फरीद जी ने भी अपनी बाणी च लिखिया है, रुखी मिसी खाए के, रुखी मिसी खाए के, लिख देनी है, रुखी मिसी खाए के ठंडा पानी पी, लिख देनी है, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी। ठीक है, फ्री जी दी है, फ्री जी दी है, रुखी मिसी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी, लिख देंगे। ठीक है, भाव का मीनिंग लिख लो, भाव की परमात्मा ने जो भी सानू रोटी दिती है, जो भी दिता है, उस विच खुश रहना चाहिदा है। दूसरा दी रुखी मिसी खाए के ठंडा पानी पी, दे हाँ लिखवा देंगे, देख पराई चोपड़ी ना तरसाए जी। ठीक है, एने आप कोटेशन लिख लेंगे अपने, भाव की जो भी परमात्मा ने सानू रुखा मिसा दिता है या जो भी दिता है उस विच खुश रहना चाहिदा है। किन्ने पॉइंट हो गए बेटा अपने अज? ठीक है, एंड पॉइंट क्लियर है, समझ आ गई बेटा? क्योंकि तुक्का दे अधाय लेख तुहानू आने है, एनी क्लियर है? बाकी 3-4 पॉइंट रह गए है, वो आपां कल डिस्कस कर लांगे। ते बेटा प्लीज कल साहित माला बुक लेके आना। ठीक है, साहित माला बुक। ठीक है बेटा,